नमस्कार, दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर है कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 200 स्थानों पर कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना की है। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। लोगों विशेषकर किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कृषि मौसम सलाहकार सेवाओं को बढ़ाना है। इस योजना के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर मध्यम श्रेणी का मौसम पूर्वानुमान तैयार किया जाता है। इसी पूर्वानुमान के आधार पर एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स द्वारा हर मंगलवार और शुक्रवार को किसानों को एग्रोमेट एडवाइजरी भेजी जाती है। यह एग्रोमेट एडवाइजरी किसानों को दिन प्रतिदिन के कृषि कार्यों पर निर्णय लेने में मदद करती है। यह कम वर्षा की स्थिति और चरम मौसम की घटनाओं के दौरान मौद्रिक नुकसान को कम करने में सहायक होगी। प्रिय व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए जाइए हमारे दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर और पाइए लेटेस्ट अपडेट।